Good evening, dear friends, brothers and sisters. Welcome to the Bible study hour of Life Spring Assembly. और सारे भाइयों और बहनों को, आप सभी लोग को आज की शाम इस बाइबल अध्ययन में हम आपको अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं. And those of you who are regularly listening to these studies, I am sure you are benefited much and enlightened. और मैं आशा करता हूं कि आप में से जितने लोग इस बाइबल अध्ययन में हिस्सा लेते हैं कि आप लोग को बहुत लाभ होता है और प्रकाशन मिलता है. We are in chapter 12 of 1 Corinthians. और इस समय हम पहले कुरिन्थियों के 12वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं. As you know, this chapter talks about the spiritual gifts or the gifts of the Holy Spirit and their operation. और जैसे कि आप जानते हैं कि इस अध्याय में हम पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में और उनके कार्य के विषय में हम अध्ययन करते हैं. In our introduction, we consider verses 1-3. और शुरुआत में हमने एक पद से तीसरे पद तक देखा था. And so the next lesson begins with verse 4 and it covers up to verse 11. और अगले हिस्से को हम देखेंगे जो चौथे पद से शुरू होकर 11वें पद तक है. So let us read this. So आइए हम इसे पढ़ें. वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है. आमीन. May the reading of God's word enlighten us and may the Holy Spirit give us understanding so that we may be blessed. और इस वचन के पढ़े जाने पे परमेश्वर का आशीष हमारे ऊपर होने पाए और हमें समझ दे ताकि इन बातों को समझने पाए. You understand, God has blessed the Corinthian church with an abundance of spiritual gifts. परमेश्वर ने कुरिन्थी कलीसियों को पवित्र आत्मा के वरदानों का बहुतायत से दिया है. And the purpose was to enable them to effectively minister to their heathen city. और इसके पीछे उद्देश्य यही था कि विश्वासी लोग, कुरिन्थ के विश्वासी अपने शहर के को परमेश्वर के विषय में गवाही दे और प्रचार करे. एंड यू अंडरस्टैंड द वेयर एवर पॉल एंड हिज कंपेनियंस ट्रैवल्ड द गॉस्पेल हैज नेवर बीन डिक्लेयर्ड और प्रीच्ड इन दीस प्लेसेस. और जहां कहीं भी पौलुस और उनके साथी यात्रा करते थे उससे पहले परमेश्वर का वचन कभी नहीं पहुंचा उन स्थानों तक. And so we understand his listeners had no Christian background whatsoever. On the other hand, they were all idol worshippers. और इसलिए हम समझ सकते हैं कि जो सुनने वाले थे उनका विश्वासी होने का कोई पृष्ठभूमि नहीं था, बल्कि वो लोग मूर्ति पूजक थे. And much teachings and learnings were required for them to know what is what. और बहुत से शिक्षा को देने की आवश्यकता थी ताकि वो लोग सच्चाई को जानने पाए. And Paul then used to write letters to these churches. और फिर पौलुस इन कलीसियों को पत्री लिखा करते थे. And through the teaching, the purpose was that these believers in the church will be able to minister to their heathen cities.
और इन पत्रियों के द्वारा इसके पीछे उद्देश्य यही था कि जो विश्वासी लोग हैं वो अपने शहर को यीशु मसीह के विषय में बताने पाए। But when we study this, we understand that the church, instead of reaching the pagans with these gifts, लेकिन हम समझते हैं कि जब जब हम इसे पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, कि बजाय इसके कि कलीसिया अपने जो अविश्वासी दोस्त हैं, उन तक पहुँचे, they began to misunderstand and then misuse these gifts. वे इन वरदानों को गलत समझते थे और गलत उपयोग करने लगे। No, the misuse of these gifts given by God Himself is a very serious sin. और परमेश्वर के द्वारा दिए हुए जो वरदान है, अगर उसको गलत उपयोग किया जाए तो ये बहुत गंभीर एक पाप होगा। And such abuse of the gifts led the believers to be carnal minded. और ऐसे दुरुपयोग जैसे हुआ वरदानों का, तो इसका परिणाम यही हुआ कि जो विश्वासी थे वे शारीरिक हो गए। And that was a very serious problem they had. और ये एक बहुत गंभीर समस्या थी उनके बीच में। Now, carnal mindedness is more dangerous than being a natural man. और शारीरिक मनुष्य जो लोग हैं, वो लोग जो प्राकृतिक मनुष्य हैं, उनसे और बुरे हैं, दुष्ट हैं। Because carnal-minded people are those who are saved and baptized and become members of the church. क्योंकि शारीरिक लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने उद्धार पाया है, उन्होंने बपतिस्मा लिया है और कलीसिया के सदस्य बन गए हैं। But they don't grow. लेकिन वे आगे बढ़ते नहीं। They remain where they started. और जहां उन्होंने शुरुआत किया, वहीं के वहीं रहते हैं। And they are the ones who create all the problems. और ऐसे ही लोग सारे समस्याओं का पैदा करते हैं। Because they are not spiritually minded. और क्योंकि वे आत्मिक रूप से स्थित नहीं है। Everything they do, there is a selfish purpose. और जो कुछ वे करते हैं, उनके पीछे एक स्वार्थपन पाया जाता है। And thus, even when the gifts of the Holy Spirit were given to them, और जबकि पवित्र आत्मा के वरदान उनको दिए गए थे, instead of using the gifts properly in the fear of the Lord for the glory of God. और बजाय इसके कि वो लोग उन वरदानों का परमेश्वर के महिमा के लिए सही रीति से इस्तेमाल करें, they started using the gifts to promote themselves and get benefits. और वे उन वरदानों का गलत उपयोग करने लगे और अपने लाभ के लिए उन्हें इस्तेमाल करने लगे। All kinds of questions were making the round. और हर प्रकार के सवाल उठने लगे। Like, which gifts were essential? कि कौन से वरदान ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं? And which gifts were valid and true? कौन से वरदान सत्य है और सही है? Which gifts were most important? और कौन से वरदान जो है बहुत महत्व रखते हैं? Which gifts were more useful and needful? और कौन से वरदान की आवश्यकता है और लाभदायक है? Which gifts were to be desired and coveted? और कौन से वरदानों का इच्छा किया जाना चाहिए? And which gifts were not honorable? और कौन से ऐसे वरदान हैं जो आदरणीय नहीं है? And which gifts were most acceptable? और कौन से वरदान ऐसे हैं जो ग्रहण योग्य है? So these were the questions that were making the round. So ये वो सवाल थे जो लोग पूछ रहे थे। And reading this chapter 12, और इस अध्ययन को, 12वें अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, And chapter 14, और 14 अध्याय को जब पढ़ते you हैं, you get the feeling, you get a feeling that some began to feel that their gifts were more important than the gifts of others. तो ऐसे लगता है कि कुछ लोग ऐसे सोचने लगे कि उनके पास जो वरदान है वो दूसरे लोगों के वरदानों से ज्यादा महत्व रखते हैं। And therefore they were more blessed. और इसलिए वे लोग ज्यादा धन्य हैं। More blessed and more popular than others. और ज्यादा
ज्यादा धन्य है और ज्यादा प्रसिद्ध है दूसरों से, and they are more important than other believers. और दूसरे विश्वासियों से ज्यादा महत्व रखते हैं. Now this kind of questions and feelings caused all kinds of sins to swell up. और इस प्रकार के जो भावनाओं हैं, इसका परिणाम यही हुआ कि हर प्रकार के पाप उत्पन्न होने लगे. Now that kind of feeling can bring forth what kind of feelings? और इन प्रकार के कौन से प्रकार के भावनाओं आ सकते हैं? It caused sin of pride. और घमंड का पाप उत्पन्न होता है. Sin of arrogance. और घमंडीपन का. And super spirituality. और अपने आप को ज्यादा अधिक आत्मिक समझना. And self importance. और अपने आप को महत्व देना. Sins that are dangerous and destructive to one's spiritual life. और ऐसे पाप जो बहुत खतरनाक है और अपने खुद के लिए हानि पहुंचाने वाले पाप है. Causing much division and breaking the body of Christ. और जिसका परिणाम यही होता है कि कलीसिया में बंटवारा हो जाता है और लोग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से. And secondly, another feeling was some began to feel that they had to have the same gifts as others have. और दूसरा एक भावना जो लोगों के बीच में था कि जो दूसरे लोगों के पास वरदान है उनके पास भी वही है. Now this feeling led some to be envious. और ऐसे भावनाओं से कुछ लोग दूसरे से जलन या ईर्ष्या रखने लगे. And so they began to seek what others have. और इसलिए वो उन बातों को खोजने लगे जो दूसरों के पास है. See, in other words, they are behaving like small kids. और दूसरे शब्दों में ऐसे दिखता है कि वो छोटे बच्चों के समान व्यवहार कर रहे हैं. Not able to think maturely. और सयाना रीति से वो सोच नहीं पाते हैं. And the result was abuse of these gifts. और इसका परिणाम यही था कि इन वरदानों का दुरुपयोग हो रहा था. Some began to counterfeit the gifts. और कुछ लोग इन वरदानों का नकल करने लगे. They don't have the real thing. और उनके पास वास्तविक में वो वरदान नहीं है. But to pride themselves before others that I am no less than these people. लेकिन दूसरों को दिखाने के लिए कि हम उनसे कम नहीं है. Now that is pride. और ये घमंड है. And always let me remind you what God says in His word. और मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर अपने वचन में क्या कहते हैं. God does not like pride people. और परमेश्वर घमंडी लोगों को पसंद नहीं करते हैं. He will punish the pride. और घमंडी लोगों को वो दंड करेगा. But show grace to the humble. लेकिन नम्र लोगों को वो अनुग्रह दिखाएगा. So let us not forget this divine truth. और इसलिए हम ये दैवीय सच्चाई को हम भूले ना. When God blesses you with certain spiritual gifts. और जब परमेश्वर आपको कुछ आत्मिक वरदानों से आशीषित करते हैं. That should make you more humble. उससे हमें और नम्र और दीन बनना चाहिए. Because who are you or what are you? क्योंकि हम कौन हैं, हम क्या हैं? Are you really worthy for any of the blessings? क्या हम किसी भी आशीषों के लिए हम योग्य हैं? No, you are not worthy. नहीं, हम योग्य नहीं हैं. Remember what we read in the passage. और याद रखें हमने इस भाग में क्या पढ़ा है. The Holy Spirit is the one who chooses men and women through whom the operation of the gifts happen. क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो लोगों को चुनता है कि किसको वो कौन सा वरदान देगा. And so especially when you don't have the real thing but you pretend that you have is hypocrisy. और विशेषकर जब हम दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये वरदान है जबकि हमारे पास वास्तव में नहीं है, तो ये दिखाता है कि हम पाखंड हैं. Remember, the greatest sin that Jesus hate greatly was hypocrisy. और याद रखें कि यीशु जिस पाप से घृणा करते थे सबसे ज्यादा, वो पाखंडीपन है.
So when if you think that God has given you certain gifts, और इसलिए अगर आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको कुछ विशेष वरदान दिए, it should make you more humble. तो फिर उससे आपको और नम्र और दीन बनना चाहिए. Knowing that you are not worthy. इस बात को जानते हुए कि हम इसके योग्य नहीं हैं. I am not worthy. मैं इसके योग्य नहीं हूँ. It is only the grace of God. ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है. That he considered me. कि परमेश्वर ने मुझको चुना. Always remember. It is the Holy Spirit, and let Him do His work in you and through you. ये पवित्र आत्मा ही कार्य करता है होने पाए कि वो आपके अंदर आपके द्वारा इस कार्य को करने पाए. So don't try to counterfeit the gifts of God. और इसलिए हम कभी भी कोशिश ना करें कि परमेश्वर के वरदानों का नकल हम करें. Whatever is given to you, जो कुछ भी वरदान आपको दिया गया है, you use it. उसे आप इस्तेमाल करें. The number one reason and the blessing of these gifts is it is to edify yourself. और सबसे पहले कारण ये वरदान आपको दिया गया है कि आपका स्वयं उन्नति होने पाए. But instead of understanding this truth, और इस सच्चाई को समझने के बजाय, their abuse brought disorder and noisy scenes in the church services. उसका दुरुपयोग जो है उससे कलीसिया में बहुत गड़बड़ी और झगड़ा पैदा हो गया. Which was a great disruption in to the church services. और जिस कारण से कलीसिया के सभाओ में बहुत गड़बड़ी पैदा हो गया. Rather than being humble and sit with a prayer, Lord, you speak to me, let me hear your voice. और बजाय इसके कि हम नम्र होके दीन होकर हम इस प्रार्थना के साथ बैठे कि प्रभु मैं नम्र होने पाऊं, दीन होने पाऊं. So instead of hearing God's voice, और परमेश्वर के आवाज को सुनने के बजाय, they were hearing their own voice. वे अपने आप के आवाजों को सुन रहे थे. Which actually disturbed others from listening to God. और जिसके कारण दूसरे लोग ठोकर खाने लगे और वो परमेश्वर की आवाज नहीं सुनने पाए. And then there was arguments and debate. और उसके बाद बहस और बात विवाद होने लगे. Strife and divisions. और गड़बड़ी और झगड़ा होने लगे. See, one sin will produce another sin, and that sin will produce another 5 more sins. Sin will increase and the grace of God will decrease. और याद रखे, एक पाप से एक और पाप उत्पन्न होता है, फिर 5 और पाप उत्पन्न होता है. और याद रखे कि जब पाप बढ़ता है तो परमेश्वर का अनुग्रह घटता है. Why did God give these gifts to in the first place? परमेश्वर ने क्यों इन वरदानों को दिया है? It is not for individuals to be proud of it and then puffed up and then cause disruption. और वो इसलिए नहीं कि जो व्यक्ति जिनको दिया गया है वो खुद में घमंड करने पाए और खुद के लाभ के लिए वो इस्तेमाल करें. God gave them these gifts to equip His people for ministry. परमेश्वर ने इन वरदानों को इसलिए दिया है कि अपने लोगों को तैयार करे उस सेवकाई को करने के लिए. Remember, through these gifts, you'll have to minister to the Lord. और याद रखें, इन वरदानों के द्वारा हमें परमेश्वर की सेवकाई करना है. And the Lord then will anoint the ministry and it begin to bless others. और फिर परमेश्वर उस सेवकाई के ऊपर अभिषेक देगा और दूसरों को आशीष देगा. And these gifts, remember, will equip you with the power to do the work of God. और ये इन वरदानों से हम तैयार किए जाएंगे परमेश्वर के कार्य को करने के लिए. Not because you and I are worthy. और इसलिए नहीं कि हम योग्य हैं. We deserve nothing. क्योंकि हम किसी भी बात के योग्य नहीं. But a merciful God with His grace. लेकिन एक करुणा निधि परमेश्वर अपने अनुग्रह के साथ made us His servants. हमें अपने दास को बनाया है.
to serve him. ताकि हम उसकी सेवा करें. And in order to serve him, और उसकी सेवा करने के लिए, he himself will give you the enablement. परमेश्वर स्वयं अपने योग्यता को देगा. And that is what he is doing by giving you these gifts. और यही काम परमेश्वर करते हैं जब आपको वरदान देते हैं. So with humility, you have to serve and exalt the name of Jesus Christ. So नम्रता के साथ हमें सेवा करना है और यीशु के नाम को ऊंचे उठाना है. And instead of doing that, और बजाय इसके कि इस काम को करें, they were arguing. विश्वासी लोग वो बहस करते हैं. Now they were arguing about what? किस बात के ऊपर बहस कर रहे थे? What gifts were important? कौन से वरदान महत्व रखते हैं? And what gifts were essential? और कौन से वरदान बहुत जरूरी and है? Needful? और बहुत आवश्यक है. And what gifts were honorable? कौन से वरदान आदरणीय है? And desirable? और इच्छा पूर्वक है. Let me make one thing very clear. और एक बात मैं बताना चाहता हूँ. Do you think any gift is any less than the other gift? क्या आप सोचते कि कोई भी एक वरदान दूसरे से कम है? No. नहीं. They are all the gifts of the Holy Spirit. वे सब पवित्र आत्मा के वरदान हैं. Everyone is important. एक-एक वरदान जो है वो जरूरी है. In order to instead of understanding this, और इस बात को समझने के बजाय, they began to exalt some particular gifts and then bring down the other gifts. वे एक वरदान को ऊपर उठाते हैं, दूसरे वरदान को तुच्छ जानते हैं. Saying speaking in tongues is a great gift. और कहते हैं कि अन्य भाषा बोलना बहुत बड़ा वरदान है. Not prophecy. लेकिन भविष्यवाणी नहीं. Or prophecy is the greatest. या फिर भविष्यवाणी बहुत बड़ा है. And the gift of knowledge is nothing. लेकिन ज्ञान का आत्मा कुछ नहीं है. So they were belittling certain gifts and exalting other. So कुछ वरदानों को वो तुच्छ जानते थे और कुछ वरदानों को ऊंचा उठाते थे. And what Paul emphasized there to counter that is. और उस बात का उत्तर में पौलुस इस बात को कहता है. He may choose different people for different gifts. कि पवित्र आत्मा अलग-अलग लोगों को अलग-अलग वरदान देते हैं. And all are the gifts of the same Spirit. लेकिन हर एक वरदान वो एक आत्मा का वरदान है. So he does not make one thing above the other or more important than others. So इसलिए पौलुस किसी एक वरदान को दूसरे से ज्यादा महत्व नहीं देते हैं. Always be humble. हमेशा नम्र और दीन बने. And thank God for whatever gifts God has given you and use it humbly for the glory of God. और परमेश्वर को धन्यवाद दे जो कुछ भी वरदान मिला है आपको कि आप उसे सेवकाई में इस्तेमाल करें और नम्र और दीन बने रहे. And the present passage deals with this problem. और जिस भाग को हमने पढ़ा था वो इस समस्या के विषय में कहता है. दिस पैसेज डील्स विद आंसर्स मेनी ऑफ द क्वेश्चंस अबाउट स्पिरिचुअल गिफ्ट्स. और आत्मिक वरदानों के विषय में जो भी सवाल है उसके बहुत से उत्तर इस भाग में दिया गया है. सो देयर आर four major things to consider from this passage. So इस भाग से चार बातें हैं जो हम देख सकते हैं. Number one, the unity of the spirit. पहली बात जो एकता है आत्मा में. I mean unity of the gifts. और वरदानों का जो एक एक एकता है. Verses 4-6. और चार पद से छह पद तक. Secondly. और दूसरा. The purpose of spiritual gifts. आत्मिक वरदानों का उद्देश्य. Verse 7. सातवां पद. Thirdly, तीसरी बात. The list of different gifts. और अलग-अलग वरदानों का जो सूची है. Verses 8-10. आठ से दस पद. And lastly, और चौथी बात. The unity of spiritual gifts. आत्मिक वरदानों का एकता. And it is very very important for us to properly understand this order. और ये बहुत जरूरी है कि हम इस क्रम को बहुत अच्छे से समझें. So in our next study we shall consider the details of these. और अगले अध्ययन में हम इसको विस्तार में देखेंगे. But as we close this study today, लेकिन आज के दिन जबकि हम इस अध्ययन को समाप्त करते हैं, remember, याद रखें, different gifts
अलग अलग वरदान जो है बट द सेम स्पिरिट लेकिन एक ही आत्मा एंड ही चूजेस डिफरेंट पीपल और पवित्र आत्मा अलग अलग लोगों को चुनता है बट द सेम स्पिरिट लेकिन एक ही आत्मा है एंड इट इज द स्पिरिट हु चूजेस हु यूजेस पीपल फॉर हिज पर्पस और यही एक आत्मा है जो लोगों को चुनता है लोगों को इस्तेमाल करता है अपने कार्य को पूरा करने के लिए सो नो मैटर व्हाट गिफ्ट्स यू हैव सो आपके पास जो भी वरदान क्यों ना हो यू जस्ट फुलफिल द पर्पस ऑफ दैट गिफ्ट आप सिर्फ उस वरदान के पीछे जो उद्देश्य है उसको पूरा करें you don't think about which is more important oh this is not so important so I'm not doing this aur hame ye nahi sochna chahiye ki are wo vardan bahut zaruri hai bahut mahatva hai to hame wo karna chahiye that is sin aur aise sochne se paap hota hai and you think speaking in tongues and prophesying are greater than the other gifts aur aap sochte hain ki anya bhasha bolna ya bhavishvani karna दूसरे वरदानों से बढ़कर है no. नहीं इट इज यू हू मेक्स दिस डिफरेंस ये मनुष्य है जो इन फर्क को पैदा करता है होली स्पिरिट डजंट मी पवित्र आत्मा इनके बीच में कोई फर्क नहीं देखता ही हैज ओनली वन पर्पस सिर्फ एक ही उद्देश्य है गॉड मस्ट बी ग्लोरीफाइड इन द मिडस्ट ऑफ हिज पीपल परमेश्वर के लोगों के बीच में परमेश्वर का महिमा होना चाहिए एंड ही नोस व्हाट गिफ्ट्स मस्ट बी ऑपरेटेड एट व्हाट टाइम एंड वेयर और परमेश्वर जानते हैं कि कौन सा वरदान कौन से समय में और कौन से स्थान में इस्तेमाल किया जाना है गिफ्ट ऑफ हीलिंग और जो चंगाई का वरदान एवरीथिंग हैपेंस नॉट फॉर योर सेक और माय सेक बट हैपेंड फॉर हिज सेक और जो कुछ भी होता है वो आपके लिए या मेरे लिए नहीं होता है लेकिन परमेश्वर के नाम के लिए होता है सो ही इज द वन हु इज द फोकस सो परमेश्वर ही है जिनके ऊपर पूरा ध्यान होना चाहिए हिज स्पिरिट परमेश्वर का आत्मा सो लेट अस ऑनर God and His Spirit. So आइए हम परमेश्वर का आदर करें, उसके आत्मा का आदर करें. God is the sovereign God. परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है. He knows whom to use. और परमेश्वर जानते हैं किसे इस्तेमाल करना है. So you please be available to God. और इसलिए हम उपलब्ध रहे परमेश्वर के लिए. And if you are sincere and humble. और अगर हम सच्चे हैं और नम्र हैं. And if He has not chosen ones. और परमेश्वर ने हमें चुना नहीं है that does not mean you are not God is not favorable to you और इसका अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर ने आपको नजरअंदाज किया है he wants to use someone else परमेश्वर किसी और को इस्तेमाल करना चाहते हैं so be humble So, इसलिए हम नम्र बने रहे यू डू नॉट लूज एनी पॉइंट बाय बीइंग हम्बल और नम्र और दीन बनने से हम कोई भी बात खोते नहीं है रिमेम्बर हु इनहेरिट्स द अर्थ और याद रखे इस पृथ्वी के ऊपर कौन राज्य करेगा ब्लेस्ड आर द मीक इन स्पिरिट धन्य वो लोग हैं जो आत्मा में दीन शैल इनहेरिट द अर्थ क्योंकि वे पृथ्वी के ऊपर छा जाएंगे And remember, meekness is not weakness. और याद रखे जो नम्रता है दीनता है वो कमजोरी नहीं है And if you want to know how powerful it is, just try it once. और अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कितना सच है आप एक बार इसे आप अभ्यास में लाएं God wants to bless you. परमेश्वर आपको आशीष देना चाहते हैं And he wants to bless you even if you don't speak anything. और अगर आप कुछ भी एक शब्द भी ना बोले फिर भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकते People will be blessed because of you. और परमेश्वर आपके कारण और लोग आपके कारण आशीष पाएंगे It is the Holy Spirit who is in charge. ये पवित्र आत्मा है जो पूरे नियंत्रण में है So let him be glorified. So उसको महिमा मिलने पाए In Jesus name. यीशु के नाम में Remember, next week we shall consider in details these four points. और याद रखें अगले हफ्ते हम इन चारों बातों को देखेंगे सो डोंट फॉरगेट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ चैप्टर 12 सो इसलिए 12वें अध्याय का जो विषय है हम उसे ना भूलें सो कीप रीडिंग इट और इसलिए लगातार इसे पढ़ते रहें एंड प्रे प्रार्थना करें एंड कम प्रिपेयर्ड टू लिसन और तैयारी के साथ आए ताकि आप सुने गॉड
blessing be upon you. और परमेश्वर आप सबको आशीष दे. Holy Spirit of God, पवित्र आत्मा, we all need you. हम सबको आपकी आवश्यकता है. We need you so that we may remain humble. और हम सबको आपकी आवश्यकता है ताकि हम दीन बने रहे. We also realize we have to continue to study the scriptures. और हम इस बात को भी एहसास करते हैं कि हमें आपके वचन का लगातार अध्ययन करते रहना. So Lord, we thank you for the opportunity given to us. So प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इन अवसरों के लिए जो हमें दिया गया. Bless your people. अपने लोगों को आशीष दे. And use them for your glory. अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करें. Let others be blessed. और दूसरे लोग उनके द्वारा आशीषित होने पाए. For your glory. आपके महिमा के लिए. Amen. Amen. God's blessing be upon you. परमेश्वर आप सबको आशीष. Have a good night's rest. और एक अच्छे रात के नींद को आप आनंद उठाने पाए. And refresh. You rise up in the morning refreshed mentally, in your mind. And in your spirit, and in your body, and in every way. और ताकि सुबह उठने पर आप तरोताजे होंगे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और हर प्रकार से. Enjoy your night. और आप बाकी के समय का आनंद उठाएं. Amen. Amen.